केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने गए। इसके बाद उनके सपोर्टर्स टीम सिलेक्शन से नाराज दिखे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में राहुल ने जिस तरीके की बैटिंग की, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने टीम सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। राहुल की धीमी पारी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को कमेंटबाजी करने का मौका मिल गया। हैदराबाद के खिलाफ मैच में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि सही साबित नहीं हुआ। एलएसजी की टीम पावर प्ले में मात्र 27 रन बना पाई, वो भी 2 विकेट खोकर। टीम ने 6 ओवर के अंदर ही डिकॉक और स्टोइनिस के विकेट को खो दिया। एक छोर से विकेट गिर रहे थे तो प्रेशर कप्तान राहुल पर था। पारी का 10वां ओवर कराने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल कैच आउट हो गए। उन्होंने 33 गेंदों पर 29 रन बनाए। पारी में एक चौका और एक छक्का लगाया। राहुल ने इस मैच में 87.88 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इतनी धीमी बैटिंग के बाद राहुल सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का टारगेट बन गए। एक्स पर विजय नाम के यूजर ने लिखा, राहुल ने बेहतरीन टेस्ट पारी खेली। अप्रूप नाम के एक सज्जन ने T20 वर्ल्ड कप में उनको बाहर रखने के फैसले को एकदम सही ठहराया। उन्होंने कहा कि राहुल को बाहर रखने का फैसला ठीक है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आखिर टेस्ट इनिंग खत्म हुई। सुहाना नाम की यूजर ने कहा कि राहुल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर बैठना डिजर्व करते थे। तो ये तो हुई ट्रोलर्स की बात। मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 165 रन बनाए। केएल राहुल ने 29, कुणाल पांड्या ने 24 रन बनाए। टीम के लिए सबसे ज्यादा स्कोर किया आयुष ने, उन्होंने 30 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली। निकोलस पूरन ने 26 गेंदों में 48 रन बनाए। हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं पैट कमिंस ने 1 विकेट अपने नाम किया। IPL 2024 की पॉइंट टेबल को देखें तो हैदराबाद और लखनऊ के बीच ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेबल देखें तो हैदराबाद की टीम 11 मुकाबलों में 6 जीत और 5 हार के बाद 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर काबिज है। वहीं लखनऊ की टीम ने भी 11 मैच खेले हैं, 4 मैचों में जीत मिली है और टीम 5 मुकाबले में हारी है। मगर लखनऊ की टीम का रन रेट काफ़ी कम है, इस वजह से टीम छठवें पायदान पर है। जो टीम ये मैच जीतेगी उसके लिए आगे की राह काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रशांत ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ सुप्रिया, शुक्रिया।